हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो है आपके पास लिमिट्स। लिमिट्स में आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले देखे हैं, उन फार्मूलों के अकॉर्डिंग आपने लिमिट की स्टडी किया है। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो सिचुएशन था आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a f x, that means a is any real number, function f x है जिसके limit x tends to a के अकॉर्डिंग आप find कर रहे हैं। limit पूरा ना लिखकर shortcut में जो उसका symbol है lim, x ये arrow mark को पढ़ते हैं आप, tends to और approaches to a any real number, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ऐसी कंडीशन आपने देखा होगा कई क्वेश्चनों में कैलकुलेशन के बाद कि आपको 0/0 फाइंड होता है। 0/0 को मैथमेटिक्स में आप मीनिंगलेस क्वांटिटी कहते हैं, मैथमेटिक्स में उसकी कोई मीनिंग नहीं है 0/0। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा डेफिनेट। तो यहां पर लिमिट्स के अकॉर्डिंग आपने देखा कि लिमिट को रिप्रेजेंट करने का यह सिंबल, इस लिमिट्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटे। फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और सेकेंड पार्ट राइट हैंड लिमिट, यानी उनको सिंबोलिकली जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a अगर पॉजिटिव सिंबल लिखा है इसका मतलब यह नहीं है कि ए पॉजिटिव है, यह सिंबल है और उसको पढ़ते हैं आप ए पॉजिटिव और फंक्शन है आपके पास ये एफ एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन ये टोटली लिमिट कहलाती है। इसे आप जो ए पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअलिटी में इसे आप राइट हैंड लिमिट कहते हैं। कौन सी लिमिट? राइट हैंड लिमिट। डेफिनेट नेक्स्ट नोटेशन है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, ये सिंबल है, इसकी मीनिंग ये नहीं है कि a माइनस a है, a नेगेटिव a पॉजिटिव, ये नोटेशन राइट हैंड लिमिट के लिए, ये नोटेशन उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। पहला बात ये है आपके पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के नोटेशन पता हो जाए, ये टोटली उस फंक्शन की लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ सिचुएशन है बेटे आपके पास लिमिट, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स विच इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन विच इज इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, दैट मीन्स फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, दैट मीन्स इस लिमिट की बात कर रहे हैं एडजस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एडजस्ट करती है, दैट मीन्स उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई डिफाइंड वैल्यू एग्जिस्टेंस की मिली है होती। और सेकेंड सिचुएशन आपके पास यह आती है कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे राइट हैंड साइड में हम राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम इसे सेकंड टाइम इसे भी राइट कर सकते हैं आप, इसके मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। अगर आप पहले इसको लिखते तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स does not exist, does not exist,
दैट मींस इसके लिमिट की कोई वैल्यू नहीं है। कब? जब लेफ्ट की लिमिट राइट की लिमिट इक्वल नहीं है। इक्वल है तो उस फंक्शन की कोई ना कोई लिमिट है, और फाइंड द लिमिट का मतलब हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। दोनों वैल्यू जो आए इक्वल वही उस फंक्शन की लिमिट होगी। अब ये वैल्यू अगर इक्वल नहीं है दैट मींस आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट मींस लिमिट x tends to a f(x) does not exist। क्या देखा आपने? किसी फंक्शन की लिमिट को आर्बिट्रेरी फॉर्म में आपने डिनोट किया, लिमिट x tends to a, a is any real number f(x)। अब इस लिमिट के लिए इसको टू पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। ये नोटेशन लिमिट x tends to a पॉजिटिव f(x) व्हिच इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट x tends to a नेगेटिव f(x) व्हिच इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। If left hand limit and right hand limit are equal, then the limit x tends to a f(x) exists. If left hand limit and right hand limit not equal, then limit x tends to a f(x) does not exist. क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आएंगे एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको लिमिट फाइंड करनी होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आप लेकर के आप वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या सिचुएशन है आपके पास। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन में आपको फाइंड द वैल्यू एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिचुएशन आपके पास आएंगे उनको आप ध्यान से देखेंगे भी। लिमिट एक्स रेज टू जीरो थ्री एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन की लिमिट आपको फाइंड करनी है। फाइंड द लिमिट तो फर्स्ट वर्क ये होता है बेटा, या फाइंड द वैल्यू, फर्स्ट वर्क ये होता है कि आप ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इस सिचुएशन के लिए आप इसकी प्रोसेस देखिए आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। जिस पर वैल्यू टेंड कर रही है वो है आपका ए की वैल्यू, अब आपके पास जीरो है जो आप यहां ए लिख रहे थे, इन प्लेस ऑफ ए हियर जीरो, जीरो इज अ रियल नंबर। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, अभी आवश्यक नहीं है कि आप ऐसा एल एक्स एल लिखे दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट लिखे, ये नोटेशन ही बता रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन है आपके पास fx और fx की वैल्यू है टोटल, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि माइनस जीरो, ये सिंबल है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपके पास। फंक्शन है आपके पास 3x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस x स्क्वायर, fx इक्वल 3x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस x स्क्वायर। अब जो सिचुएशन है मेरे आपके पास लिमिट फाइंड करनी है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो पहले चाहे तो उसे आप लिमिट से रिमूव कर लें, यही आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस x स्क्वायर। अब प्रोसेस यहां से स्टार्ट होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करते हैं, ये हर क्वेश्चन में फॉलो कर रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन आप स्टार्ट करेंगे बेटे यहां से। पुट एक्स जिस पर टेंड कर रहा है, इन प्लेस ऑफ एक्स विल पुट एक्स जिस पर टेंड कर रहा है उसमें से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी एच सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये मैथ है, हर क्वेश्चन में ये करना है। अगर 1 पर टेंड करेगी तो 1 माइनस एच, 3 पर टेंड करेगी तो 3 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट की। इन प्लेस ऑफ एक्स वी पुट एक्स इक्वल 0 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट की। यही चीज अगर राइट हैंड लिमिट में जब हम कैलकुलेशन करेंगे अभी, तो यहां पर जिस पर वैल्यू टेंड करती है उसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी एच एड करते हैं, तो यहां लिख देंगे हम 0 प्लस एच, वो राइट हैंड लिमिट के लिए प्रोसेस है। तो डेफिनेटली ये जो पार्ट आप पढ़ रहे हैं यार डिस्कनेक्ट होगा, लिमिट का लास्ट पार्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट,
और ये पार्ट पहले के साथ ज्वाइंट होकर नेक्स्ट ईयर, जिसे कहते हैं आप कंटिन्यूटी, जिसे कहेंगे आप कंटिन्यूटी, यानी ये फिर से आपको ट्वेल्थ में करना है। यहां से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, लिमिट को एंड करेंगे, और जब ट्वेल्थ में जाकर एक न्यू चैप्टर इससे कनेक्ट आएगा वो है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन तीनों निकालना पड़ता है, और तीनों अगर इक्वल है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और इक्वल नहीं है कोई भी एक पार्ट हम कहते हैं फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी से कनेक्ट एक क्वेश्चन ट्वेल्थ में आता है जो इलेवन पर बेस्ड होगा, मगर नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको अलर्ट कर दिया ये काम आपका ट्वेल्थ में उतना रहेगा, केवल 10% वर्क आपका बढ़ जाएगा वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फाइंड करना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वहां भी आपको फाइंड करना, उस बार को फिर पैदल रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी के साथ में। डिफरेंशिएबिलिटी यहां भी है मगर सिंपल डिफरेंशिएबिलिटी है आपके पास जो इसके बाद आपको पढ़ने मिलेगी और वहीं पर डेफिनेटली x इक्वल 0 माइनस x आपने पुट क्यों किया, ये मेथड है जिस पर वैल्यू ट्रेंड कर रही है, अगर 1 पर ट्रेंड कर रही थी आप क्या लिखते हैं 1 माइनस x 3 as it is लिमिट। अब यहां एक सिचुएशन लेना पड़ेगा, व्हेन x टेंड्स टू 0, व्हेन x टेंड्स टू 0 यानी 0 पर ट्रेंड कर रहा है ये तो सिंबल बता रहा है नेगेटिव है, अगर इन प्लेस ऑफ x आप 0 पुट करेंगे यहां x ट्रांसफर यहां होगा x इक्वल 0 माइनस 0 क्योंकि 0 वहां ट्रांसफर होगा, तो h की वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी 0 माइनस 0, दैट मींस आप लिखेंगे देन h टेंड्स टू 0, यानी अब कन्वर्ट कर रहे हैं आप x यहां लिखा था अब यहां लिखेंगे आप व्हेन x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0, अब सिंबल खत्म, अब आपको सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव। In place of x we put 0 minus h upon mod of 0 minus h plus 0 minus h whole square। अब इस calculation को आप बेटे next step में क्या लिखेंगे वो देखिए। Limit x tends to 0 negative fx where fx equal 3x upon mod of x plus x square। राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन देखिए 0 माइनस h 3 एज इट इज राइट करेंगे आप, ये 0 माइनस h की मीनिंग होगी बेटे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस h और नेगेटिव क्वांटिटी दैट मींस मिलेगा माइनस h, 0 माइनस h का मतलब है माइनस h होल स्क्वायर, 3 as it is limit x tends to 0 चाहे तो इस माइनस h को आप माइनस 1 into x write कर सकते हैं, माइनस 1 is a constant term remove the limit माइनस 1 into 3 that means यहां माइनस write कर सकते हैं, अब h as it is mod of 0 minus h that means mod of minus h, negative quantity square positive और h square आपको write करना पड़ेगा, माइनस 3 एज इट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन आपने मॉडुलस फंक्शन का कांसेप्ट छोटी क्लास में पढ़ा था कि किसी भी क्वांटिटी की कोई भी रियल क्वांटिटी हो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो अगर उसकी मॉडुलस वैल्यू आप ले रहे हैं दैट इज मॉडुलस वैल्यू की मीनिंग होती है पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू की मीनिंग होती है पॉजिटिव वैल्यू, तो यहां जो भी राइट किया होगा उसकी आप पॉजिटिव वैल्यू राइट करेंगे, माइनस 3 का मॉड ऑफ माइनस 3 दैट इज 3, यानी मॉडुलस वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, फिर डिटेल कांसेप्ट मॉडुलस फंक्शन का और बाद में आया। डेफिनेटली आप लिखे हैं यहां x स्क्वायर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग माइनस 3 एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 h h plus h स्क्वायर में कॉमन फैक्टर है आपके पास h इन ब्रैकेट्स 1 plus h h h कैंसिल माइनस 3 एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां मिलेगा आपको 1 अपॉन 1 प्लस h, तब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटे और नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे लेकर के माइनस 3 एज इट इज इन प्लेस ऑफ h विल पुट 0 देन 1 अपॉन 1 प्लस 0 1 अपॉन 1 दैट मींस 1
फाइनली आप राइट कर सकते हैं इनटू वन, और आप देखेंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो मिली है इससे आप रिजल्ट नंबर फर्स्ट पे हैं। लेफ्ट हैंड की पोजीशन में क्या किया हमने, जो फंक्शन है उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की प्रोसेस क्या है, जिस पर वैल्यू टेंड करती है एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं आप, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है मैंने आपको बताया, जीरो पर टेंड कर रहा है तो जीरो माइनस एच, वन पर टेंड करेगा तो वन माइनस एच, फाइव पर टेंड करेगा तो फाइव माइनस एच, ये प्रोसेस में। मगर आप जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो नोटेशन में केवल आप लिखेंगे एंड, यही प्रोसेस स्टार्ट होगी, मैं अलग से कुछ नहीं लिख रहा हूं। यहां पर जो नोटेशन है जहां जीरो नेगेटिव लिखा था उसको आप जीरो पॉजिटिव लिखेंगे, यहां पर आप जीरो पॉजिटिव लिखेंगे, फंक्शन वही रहेगा इस कंडीशन में, जबकि अगले क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा उसकी प्रोसेस फिर चेंज होगी, मगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की प्रोसेस वही रहेगी। इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटे आप, जो आपने क्वेश्चन लिखा है कांस्टेंट टर्म को रिमूव कर लिया, ये प्लस नोटेशन आ गया, बाकी सब सेम है। राइट हैंड लिमिट के लिए सब्स्टिट्यूशन होता है जिस पर वैल्यू टेंड करती है उसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी एच एड करती है, ये प्रोसेस में हर क्वेश्चन में आपको ये करना है। डेफिनेटली व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो देन एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, आपने वही राइट किया है, या जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो यहां क्या मिलेगा बेटे आपको, ये पॉजिटिव एच मिलेगा, जीरो प्लस एच की वैल्यू है एच, यहां मिलेगा मॉडल जीरो प्लस एच, दैट मीन्स ये जीरो प्लस एच है, इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये मॉडल एच ही मिलेगा, और यहां पर तो आपका जीरो प्लस एच की वैल्यू आपको एच स्क्वायर ही मिलेगी, दैट मीन्स इस स्टेप की अब कोई मीनिंग नहीं। अब आप देखेंगे कैलकुलेशन के लिए थ्री एज इट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखा है, एच अपॉन मॉड ऑफ एच की वैल्यू, चाहे वो जो भी वैल्यू लिखी है उसकी पॉजिटिव वैल्यू, जैसे मॉड ऑफ थ्री लिखे आपने उसकी वैल्यू थ्री, एच लिखा है तो आप एच लिखेंगे, और ये आपका एच स्क्वायर है, एच मीन द कॉमन फैक्टर, एच एच कैंसिल, ये थ्री एज इट इज, ये आपके पास सिचुएशन आपके पास आ चुका है। यहां पर आपके पास प्लस थ्री एज इट इज वैल्यू एच टेंड्स टू जीरो, जीरो पुट करेंगे तो आपको लिमिट क्या फाइंड होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या फाइंड होगी बेटे, इसको रिजल्ट नंबर क्या कहेंगे आप, सेकंड। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको माइनस थ्री फाइंड हुई थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको प्लस थ्री फाइंड हुई, क्या बोथ आर इक्वल, बाय वन इन टू, आप ऑब्जर्वेशन लेंगे बेटे बाय वन इन टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इक्वल समथिंग, ये फैक्टर है आपके पास, इज नॉट इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, और आपने कंडीशन नंबर फिफ्थ देखा था वेन लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट देन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में आपके पास थ्री एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपके पास कैलकुलेशन का लास्ट स्टेप है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, अगर दोनों लिमिट सेम आती तो आप यहां पर लिखते इक्वल लिखते और इक्वल में जो क्वांटिटी आती वो लिखते, उस फंक्शन की लिमिट आपको वही फाइंड होगी, तो यहां इन वही चीज यहां का तो इक्वल होगा, और इक्वल कितना होगा जितने वैल्यू आपके पास आएगी, मान लीजिए थ्री आती तो थ्री लिखते इक्वल में, माइनस थ्री आती तो माइनस थ्री लिखते इक्वल में, दोनों लिमिट सेम है और उस फंक्शन की लिमिट को आप लास्ट में आप इक्वल जो भी वैल्यू आपको लिखते वो फाइनली उस फंक्शन की लिमिट क्या है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर रहे बेटे, फंक्शन की कैटेगरी को हम चेंज करेंगे और चेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे, और क्वेश्चन आपको कहां से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है ये ट्वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट बेस कहलाता है, अगर आप इस बेस को वॉश आउट कर दें 11 से तो 12th में जो चैप्टर पढ़ेंगे आप, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन
आता है कंटिन्यूटी का, वो क्वेश्चन आपको एक साथ नहीं करना है। डेफिनेटली जो क्वेश्चन है आपके पास वो मैं राइट कर रहा हूं। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू, पहले तो फंक्शन दिया आपके पास इफ फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल, ये क्या होता है एक न्यू टाइप का फंक्शन है जिसको नेमली मैं आपको आपको बताऊंगा 2/5 - x, मगर इसके लिए कंडीशन है when x less than t, when x less than t, यानी f x की वैल्यू 2/5 - x तब होगी जब x की वैल्यू 3 से less than होगी। और दूसरी कंडीशन में लिखा है बेटे 5 - x, f x equal 5 - x when x greater than 3, then so that prove that limit x tends to 3 negative f x not equal limit, उसने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया 3 positive f x, ये सिचुएशन आपको दे चुका है मैंने कि आपको ये प्रूव करना है। तो ये दूसरा पैटर्न आपके पास स्टार्ट हुआ कि अभी एफ एक्स इक्वल सिंगल वैल्यू फंक्शन था इसके पहले क्वेश्चन, अब आपके पास एफ एक्स के लिए डबल वैल्यू फंक्शन है, कंडीशन दिया है कि एफ एक्स इक्वल 2/5 - x व्हेन एक्स लेस देन 3 एंड एफ एक्स इक्वल 5 - x व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको ये प्रूव करने बोलता है, इसकी मीनिंग है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव की मीनिंग नहीं है कि बेटे ये -3, इसकी मीनिंग है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है और ये राइट हैंड लिमिट का सिंबल है। डेफिनेटली पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, चलो फिर नेक्स्ट इक्वल में लिखेंगे आप x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, अब fx के डबल वैल्यू है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, तो कंडीशन ये है कि आप देखिए x जहां लेस देन वाली कंडीशन होगी, अगर 3 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो x लेस देन 3 लिखा होगा, अगर 1 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो यहां x लेस देन 1 लिखा होगा। इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे कभी कभी इसको कंबाइन करके देता है x लेस देन इक्वल 3, तो डबल वैल्यू इक्वल भी है तब भी और लेस देन है तब भी, दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, या ग्रेटर देन इक्वल, ऐसी कंडीशन देता है वो आपको पहले पे मिलेगा कि जब वैल्यू आपको फंक्शन में फाइंड करना पड़ता है, अभी उसे नहीं दिया दे भी सकता है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f x आपने वही लिखा, अब इन दोनों में से कौन सा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, जहां लिखा होगा x लेस देन 3 क्योंकि 3 पर टेंड कर रही है, उस फंक्शन के लिए आप एफ एक्स की वैल्यू को लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चूज करें, दैट मींस जहां एफ एक्स लिखा है तो एफ एक्स की वैल्यू आप क्या चूज करेंगे 2/5 - x 3 नेगेटिव, ये सिंबल है लेफ्ट हैंड लिमिट का, एक्स लेस देन 3 क्योंकि 3 पर वैल्यू टेंड कर रही है, अगर 1 पर टेंड करती तो यहां एक्स लेस देन 1 के लिए जो एफ एक्स की वैल्यू होती उसको लिखा जाता, जो सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। अब आगे की प्रोसेस वही है, एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा बेटे आपको, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, जिस पर वैल्यू टेंड कर रही है उसमें से एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी एच सब्स्टिट्यूट करना, इसके पहले बार 0 तो हमें 0 माइनस एच लिखा, हमेशा 0 माइनस एच 0 प्लस एच, किस पर वैल्यू टेंड कर रही है इस पॉइंट को आपको पॉइंट आउट करना है, 3 पर टेंड कर रही है तो 3 माइनस एच, व्हेन x tends to 3 किस पर टेंड कर रही है वैल्यू 3 के बाद, जब इन प्लेस आप x आप 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, या 3 ये ट्रांसफर करके माइनस एच या प्लस एच, या 3 माइनस 3 क्योंकि 3 ट्रांसफर कर माइनस 3 में कन्वर्ट, 3 माइनस 3 दैट मींस 0, दैट मींस x टेंड्स टू क्या लिखेंगे आप, ये 0, जो भी वैल्यू
पर ट्रेन कर रही है वो इन प्लेस आप x पुट करेंगे, कैलकुलेशन करके h की वैल्यू क्या मिल रही है उस पर वो वैल्यू टेंड करेंगे। दैट मींस लिमिट, अब आप लिखेंगे व्हेन x टेंड्स टू 3 देन x टेंड्स टू 0 इन प्लेस ऑफ x वी पुट जिस पर वैल्यू, वो सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना ये 3 माइनस h। अब इसको कैलकुलेट करिए बेटे, आप जो लिमिट आप फाइंड कर रहे हैं वो है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट 3 नेगेटिव और ये एफ एक्स। अगर पेज आपका टर्न ओवर होता है तो आपको क्या करना चाहिए कि उस पार्ट को राइट करना चाहिए या राइट में भी करेंगे तो चलिए। अब आप इस वैल्यू को देखिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो आपको मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 न्यूमेरिकल में लिखा है 2/5 माइनस 3 प्लस एच, ब्रैकेट सॉल्व कर दिए माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 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 मल्टीप्लिकेशन प्लस, अब ये रिजल्ट मिला आपको 5 माइनस 3 दैट मींस लिमिट एच टेंड्स टू 0 2/5 माइनस 3 दैट मींस 2 और ये प्लस एच इन प्लेस ऑफ एच वी पुट 0 दैट मींस 2/2 प्लस 0 दैट मींस 2/2 दैट मींस ये मिला आपको 1 यानी ये रिजल्ट नंबर है आपका फर्स्ट और ये वैल्यू किसकी है आपके पास लिमिट x tends to 3 negative fx, मतलब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली। अब आपको फाइंड करना है राइट हैंड, अब राइट हैंड लिमिट के लिए सिचुएशन क्या चेंज होगा, इसके पहले क्वेश्चन में तो हमने वही सब कुछ कर लिया था। तो ऑब्जर्वेशन में अब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो नोटेशन 3 पॉजिटिव डेफिनेटली याद रखेंगे 3 पॉजिटिव। और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, fx इक्वल When x greater than 3, जिस पर वैल्यू आप चेक कर रहे हैं वहां पर एक सिंबल लिखा होगा x greater than 3 के अकॉर्डिंग जो fx की वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे आप राइट हैंड लिमिट के लिए, ये चेंज होगा। अब इसके लिए है आपके पास में fx equal 5 minus x then x greater than 3, ये राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन चेंज हो गया, आपको फंक्शन दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, अब इसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन होगा तो सब्स्टिट्यूशन का तरीका वही है जिस पर वैल्यू टेंड करती है उसमें एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी h ऐड करें, व्हेन x टेंड्स टू 3 देन h टेंड्स टू 0 सिमिलर इन प्लेस ऑफ x वी पुट 3 प्लस h वैल्यू, डेफिनेटली इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो सिचुएशन आपके पास आएगा बेटा ये 3 पॉजिटिव है, यहां चलेंगे आप तो 5 माइनस 3 माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन आपको ये माइनस एच, इसको जब आप कैलकुलेट करके फाइनली राइट करेंगे ये मिलेगा 5 माइनस 3 दैट इज 2 माइनस एच इन प्लेस ऑफ एच वी पुट 0 दैट इज 2 माइनस 0 तो फाइनली क्या मिलेगा आपको ये 2 मिलेगा। ये कौन सी लिमिट है बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx दैट मींस राइट हैंड लिमिट इज द रिजल्ट सेकंड, इसको मैं नहीं हटा रहा हूं, इसको मैं नहीं हटा रहा हूं आपके ऑब्जर्वेशन के लिए। सो बाय 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx जिसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 2, के इक्वल है क्या, नहीं, दैट मींस लिखेंगे नॉट इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है और आपको प्रूव करने के लिए भी उसी पैटर्न में दिया था। हो सकता है कि ये क्वेश्चन दे दे और आपको बोले कि प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसके नीचे एक स्टेप और आपको राइट करनी पड़ेगी क्योंकि इसके मिली गई है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, that means does not exist। process में अलग अलग टाइप के फंक्शन आपके पास आते रहेंगे बेटे, ये टू टाइप्स के फंक्शन आपके सामने आए हैं और टू टाइप्स के क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे तो आपको फुल ऑब्जर्वेशन में लेके चलना पड़ेगा और चाहे तो एक क्वेश्चन आप और सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आप देखिए क्या सिचुएशन आपके पास आता है।
क्वेश्चन जितने टाइप से आपके पास में राइम की हुई थी, मैंने कुछ टाइप से आप लोगों को बताने का प्रयास किया, और सिमिलर क्वेश्चन को आप जब जाएंगे तो होमवर्क में कैलकुलेट करने की आप कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली जो सिचुएशन आपके पास है बेटे, एक अदर क्वेश्चन उसकी राइट करने की मीनिंग चेंज है। टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और फंक्शन एट एक्स इक्वल वन और फंक्शन है बेटे आपके पास एफ एक्स इक्वल, फर्स्ट सिचुएशन में लिखा है बेटे 3x, कंडीशन लिखा है बेटा इफ 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन वन, सेकेंड कंडीशन में लिखा है बेटे 4 इफ एक्स इक्वल वन, और नेक्स्ट कंडीशन में लिखा है बेटे 5x इफ 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू। ये जो सिचुएशन क्वेश्चन का आप देख रहे हैं, क्वेश्चन को आप पढ़िए समझिए, ये क्वेश्चन मैं थर्ड सिचुएशन में ले लिया। फर्स्ट चेंज था, सेकेंड उसको हमने चेंज किया, थर्ड क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है उनको थोड़ा और चेंज किया है। क्वेश्चन की मीनिंग टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, या कुछ चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब ये फंक्शन तो 3 टाइप से डिफाइन है। ये क्वेश्चन आपके पास पैथ में होगा, कंटिन्यूटी चेक करने के जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मेन है आपके पास यहां लिखा है एट एक्स इक्वल वन, ये है आपका मेन पॉइंट। वन को ढूंढिए, बाकी को छोड़ दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू 3x होगी कब? व्हेन एक्स लेस देन वन, जीरो के बारे में कुछ लिखा है इसलिए उसको आपको छोड़ देना। वो एक्स का पॉइंट आपको परेशान करने के लिए, आपके पास कितना नॉलेज है उसको देखने के लिए चलता है। आप इसको पॉइंट आउट कीजिए एक्स लेस देन वन, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट्वेल्थ का पार्ट हो जाएगा। व्हेन एक्स इक्वल वन, दैट मींस या एक्स की वैल्यू कितनी है? दैट मींस एफ वन, एफ वन की वैल्यू कितनी होगी? 4। ये ट्वेल्थ का क्वेश्चन हो गया, कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। पर याद दिया है आपके पास एक क्वेश्चन आपको कि अगली क्लास में जाएंगे तो उसके कुछ दृश्य आप यहां से देख के जाएंगे। क्लियरली यहां पर देखिए इसकी मीनिंग क्या है, वन लेस देन एक्स, दैट मीन एक्स ग्रेटर देन वन। वन लेस देन एक्स की अदर मीनिंग क्या है? एक्स ग्रेटर देन वन। तो ये जो मैंने ब्लॉक में लिखा है ये है आपके पास सोचने के तरीके। क्वेश्चन इजी, केवल उसने क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना रहा है, क्वेश्चन को राइट करने के पैटर्न से। अब क्या फाइंड करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लिखेंगे, किस पर चेक करना है? ये किस पर चेक करना है? वन। तो क्या लिखेंगे आप? वन निगेटिव। ये सिंबल किसके लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स लिमिट एस टेंड्स टू वन निगेटिव। अब एफ एक्स की वैल्यू इन में से आपको सोचना पड़ेगा कि वेन एक्स लेस देन वन कहां लिखा, वो एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास वेन एक्स लेस देन वन, देन एफ एक्स इक्वल 3x। अब यहां से पैटर्न क्या आता है, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप, और उस सब्स्टिट्यूशन में क्या सिचुएशन होगा, चाहे वो 3 कॉन्स्टेंट को आप लिमिट से रिमूव करके राइट भी कर दीजिए। और सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे आप, जिस पर वैल्यू टेंड कर रही है उसमें से एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी एच सब्स्टिट्यूट करेंगे।
पहले वाले में जीरो था, दूसरे वाले में तीन था, तीसरे वाले में बारह। जिस पर मेरे को टेंड करती है उस पॉइंट को आपको पॉइंट आउट करना है। When x tends to one, then खुद ही बता देंगे आप x tends to zero ही होगा, क्योंकि हम वन पुट करेंगे। h यहाँ ट्रांसफर होगा पॉजिटिव h, विच इज इक्वल वन। ये वन वहां ट्रांसफर होगा तो माइनस वन, वन माइनस वन दैट मीन जीरो। x की वैल्यू जीरो, मतलब x की वैल्यू जीरो दैट मीन h tends to zero। क्लियरली थ्री एज इट इज, इन प्लेस ऑफ x ने पुट 1 माइनस एच, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और इन प्लेस ऑफ x सब्स्टिट्यूशन है 1 माइनस एच। अब आप इन प्लेस ऑफ h पुट जीरो, तो क्लियरली जो आप लिमिट फाइंड होगी बेटे, जिसको आप फाइंड कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव एफ एक्स, यहां पर पुट कर लीजिए वैल्यू जिस पर टेंड कर रही हो, 3 एज इट इज इंटू वन माइनस जीरो, क्योंकि एच टेंड्स टू जीरो है, 3 इंटू वन दैट मीन्स फाइनली आपको ये रिजल्ट मिल गया 3। और ये किसकी वैल्यू है, तो बोले उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है। लिमिट एच टेंड्स टू वन निगेटिव एफ एक्स दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है। और अब आप फाइंड करेंगे उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट दैट मीन्स एच टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x tends to 1 positive। अब fx की वैल्यू, when x greater than 1 fx equal 5x, that means आप यहाँ 5x write करेंगे, फिर आप एक substitution करेंगे, चाहे तो पार्शियल बाहर भी ले सकते हैं, तो अगले स्टेप में भी ले सकते हैं, इसको थोड़ा सॉर्ट करेंगे अपन, तो डेफिनेट है कि आप इन प्लेस आप x जो पुट करेंगे आप जिस पर वैल्यू टेंड कर रही है उसमें पॉजिटिव स्मॉलेस्ट क्वांटिटी h ऐड करेंगे। और व्हेन x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0, इस सब्स्टिट्यूशन को 5 बार टेंड को लिमिट से रिमूव भी कर लीजिए और लिमिट h टेंड्स टू 0 भी राइट कर लीजिए, इन प्लेस ऑफ x 1 प्लस h राइट कर दीजिए, और जिस पर लिमिट टेंड कर रही है उस लिमिट को आप पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन में देखेंगे आप 5 into 1 that means 5, और ये रिजल्ट नंबर सेकंड, और ये है उस फंक्शन की आपके लिए राइट हैंड लिमिट। अब आप देखिए बाय 1 into बाय 1 into बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिखा है लिमिट x tends to 1 negative fx, जिसकी वैल्यू कितनी है बोले 3, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है बोले 5। क्या 3 और 5 इक्वल है? नो, तो नॉट इक्वल। लिमिट x tends to 1 positive fx, जिसकी मीनिंग क्या होगी हमारे पास, सो लिमिट x tends to 1 fx does not exist, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप ये पाएंगे बेटे कि आप अगर क्वेश्चन बन जाते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का जो कंसेप्ट है ये आपको 12th के लिए फाइंड हो चुका है।